आप लोगों को न्यू स्टीजियन लीज एक्स सूट कैसा लगा भाई साहब, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। उस एक्स सूट का मैं पूरा का पूरा लुक आप लोगों को आगे गेम प्ले में दिखाने वाला हूं, और 7 अप्रैल को आ रहा है तो भाई उसकी क्रेट ओपनिंग भी होगी। तो आप लोग को क्रेट ओपनिंग लाइव चाहिए या फिर सुबह सुबह वीडियो में चाहिए कॉमेंट्स में बताना, और जिसने लाइक निकाला लाइक कर दो, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे खतरनाक कमाल की गेम प्ले देखने के लिए आज का गेम प्ले भी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम यूज करेंगे AWM और मेरे ऑलमोस्ट 30 किल्स होने वाले हैं। अब हम यहाँ स्टेलवर वाले रिकॉल मतलब ये जो इवेंट है मोड का है यहाँ पे जंप करते हैं, और हमें लगा था कि यहाँ पे भाई साहब भर भर के बंदे आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे आए, क्योंकि क्वेरी वाला एक था एरिया और एक ये वाला एरिया था। क्वेरी में बहुत ज़्यादा कैंपिंग होती है इसलिए हम क्वेरी पे नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पे गए, हमने कुछ बंदे मारे, देन उसके बाद हमारे अपार्टमेंट में, और यहाँ अपार्टमेंट में आते ही भाई साहब एक बंदा सीधे भाग के गया बड़ी वाली बिल्डिंग के साइड। मैं समझ गया कि वो अपने टीममेट्स के पास जा रहा है, और वो यहाँ पे अकेला है, उस पर रस हुआ तो उसकी टोटली फट चुकी है। अब एक बंदे को जैसे नॉक किया दूसरा वाला बंदा जंप करने लगा, लेकिन मैंने उसको भी नॉक कर दिया जंप, लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट फिनिश कर रहा था तो मैंने मना किया अपने टीममेट को, और जैसे ही वो यहाँ पे पास में आया तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब देखो मीटअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीटअप करने से ग्लोबल के अंदर आईडियां बैन हो जाती हैं। आप लोग को तो जो लोग भी लाइव स्ट्रीम देखते हैं उनको पता होगा कि हम लोगों ने मीटअप किया था लाइव स्ट्रीम पे खेलते में, और भाई विक्की की आईडी एक दिन के लिए बैन हो गई थी क्योंकि रूल्स वॉयलेट हुए थे। हम लोग गेम के अंदर मीटअप टीम अप नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इन भाई को बोला, और उसके बाद इनसे इस टीम से फाइट ली ताकि कहीं इस बार विक्की के बाद मेरा नंबर ना लग जाए। अब ऊपर छत में एक बंदे के फुट्स आ रहे थे, और भाई साहब ये बंदा देखो कहाँ पे था, मतलब मेरी तो देख के रूह ही बाहर आ गई थी। मैंने देखा कहाँ गया बंदा, तो ये बंदा भाई साहब सीढ़ियों के अंदर फंस गया था, या फिर पता नहीं क्या कर रहा था, विक्टर वाला आईक्यू लगा रहा था, लेकिन ये वहीं पे ट्रैप हो गया था। अब इस बंदे को नॉक करके हम लोगों ने इससे बात करी और बताया इसको कि भाई साहब आइडिया बैन हो जाती है, उसने बोला कोई बात नहीं। अब सामने से तभी एक बंदा भाग के जा रहा था, और आई थिंक सो ये इन्हीं का टीममेट था। और वो भाई साहब निकल लिए पहली फुर्सत में, यहाँ पे विक्की से मुझे 4x मिला, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। मैंने रेड डॉट से मारने का ट्राई किया, वो बंदा लिट भी था, 50 HP 40 HP बचा होगा। अब उसके बाद यहाँ पे इन भाई साहब से हम लोग बात बात करते हैं, उसके बाद ये भाई साहब बोलते हैं, तो यहाँ पे इनकी बना दी हम लोगों ने पेटी। लेकिन भाई वो जो बंदा भाग के गया आया था यहाँ अपार्टमेंट के अंदर, भाई उसका लिटरली हालत खराब हो गया होगा। मैं समझ सकता हूँ जब पूरी की पूरी स्क्वाड रश करती है और आप अकेले रहते हो, तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता उस बंदे की जगह। अब उसके बाद हम यहाँ से निकल के जा रहे थे बंदों की तलाश में, और तभी यहाँ पे सामने से बग्घी आई। अब ये बंदे का टायर बग्गी का फोड़ दिया विक्की और स्पाइडर ने, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, और देखो गाड़ी को मैंने इसके ऊपर चढ़ाया, और ये भाई साहब तो गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गए। लेकिन यहाँ पे भाई साहब गाड़ी एक बार फिर से उस बंदे के ऊपर चढ़ गई, और इस बार उनकी बन गई भाई साहब की पेटी। अब हम रिकॉल के साइड गए पोचिंग की, वहां पे कोई नहीं था, तो यहाँ पोचिंग की घुमा ही रहे थे तब यहाँ पे पीछे की साइड से एक बंदे के फुट्स आए, और यही वो जगह है जहां पे घमासान युद्ध शुरू होने वाला है, और मुझे मिलेगी AWM। अब ये बंदों ने भाई गाड़ी का साउंड सुना और सीधे हम पे आ रहे थे रस करने के लिए, लेकिन यहां पे इनको पता नहीं था हम पे वेब शूटर। एक बंदे को मैंने नॉक किया, दूसरा बंदा भाग के जा रहा था दूसरी साइड, ब्रोकन के पीछे बैठा हो चेक में गया क्या? अब मैं इधर साइड आया, वो भी रोटेशन देने के लिए भाग के इधर आया 3 स्टोरी पे, और तभी
भाई साहब इस बंदे का ध्यान अच्छा हुआ मेरे पे नहीं गया, स्पाइडर पे गया, नहीं तो ये तो मेरे को ठोक के और बजा भी देता। अब इस टीम का आखिरी बंदा वही जो भाग के गया था, वो नीचे से फुट्स आ रहे थे उसके, नीचे सीढ़ियों से फुट्स आया। मुझे लगा कि ये अल्ट्रा प्लस मॉली करूंगा तो सीढ़ियों पे भी फैल जाएगा, लेकिन वो बंदा यहाँ पे नहीं था, नीचे देखो देखो नीचे बैठा हुआ। मैंने बोला चलो भाई तुमको गन से नहीं मारते, तुम जल ही जाओ। और भाई ये अल्ट्रा प्लस वाली मॉली इतनी खतरनाक है, और वो बंदा वहां से भाग भी नहीं पाया, और यहाँ पे उनका भाई साहब का करियर हो गया खत्म। ये तो लूट गिरा के जा रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ी बहुत लूट वगैरह करते हैं, एंड उसके बाद पीछे की साइड जा रहे थे अपने गाड़ी पे, तभी थ्री स्टोरी पे सामने मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ। और ये बेचारा अभी अभी रिकॉल होके आया था, या फिर भाई पता नहीं कहाँ से आया था, लेकिन यहाँ पे इन भाई साहब की बन गई पेटी, वो भी बड़े आराम से। सामने ड्रॉप था, मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि भाई वहाँ पे ड्रॉप है, अगर किसी को हेलमेट वेस्ट चाहिए तो गाड़ी लेके जाओ और लेके आओ, तब तक मैं शॉप से सिक्स एक्स वगैरह बाय कर लेता हूँ। अब हम यहाँ से यूएस लेके निकले, तभी सामने से बग्घी आई। भाई साहब एक बंदे को मैंने नॉक किया और उसने मुझे नॉक किया, उसके टीममेट ने, वो पीछे से थर्ड पार्टी करने के लिए एक अलग टीम आ गई। यहाँ पे जल्दी से मैंने अपने टीममेट्स को बोला भाई रिवाइव दे और स्मोक कर स्पाइडर, और वो गाड़ी के नीचे से विक्की को मार रहे थे, विक्की हाफ एचपी था, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ पे बच जाते हैं। मैं पीछे फॉल बैक करता हूँ, और यहाँ पे अब जो युद्ध होने वाला है ना, वो लिटरली गॉड लेवल युद्ध होगा। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया गाइस लाइक कर दो, जल्दी जल्दी दबा दो। यहाँ मैंने स्पाइडर से बोला भाई मेरे को अपनी वेस्ट दे दे, और मैं पीछे की साइड से रोटेशन दे रहा हूँ, एक जन मेरे साथ आ जाओ, एक जन यहीं पे रुको। मैं बिना टाइम वेस्ट किए पीछे की साइड रोटेशन देना शुरू कर देता हूँ, और फाइनली यहाँ पे आता हूँ। यहाँ से बंदों की फुट्स आए, सामने वाले घर से बंदे की फुट्स आ रहे थे, मैं डायरेक्ट उस पर जाता हूँ रस करने के लिए, लेकिन ये अकेला नहीं था, इसके टीममेट भी यहीं पे थे। मैं नीचे आया, देख रहा था बंदे को, मॉली खींची। ब्लू जोन ग्रेनेड, और मैं पीछे आया और यहाँ ब्लू जोन ग्रेनेड किया। अब इसका टीममेट भी राइट साइड पहुंच चुका था। सबसे पहले मैं अपने आप को हील कर दूं, मैंने अपने टीममेट को बताया मैंने ब्लू जोन गेट डाला था, उसने मॉली किया था। मैंने उसको दरवाजा तोड़ा, एंड इसी के साथ ये भैया भी नॉक हो गए। अब ये लोग भाई पोचिंगी में पता नहीं कब से बैठे हुए थे, तो ये टाइम था इनको दंड देने का, अपराधी थे ये लोग। भाई ऐसे कैंपिंग कौन करता है, मतलब कुछ भी करते हो, कैंपिंग नहीं थी, ये लोग तो होल्ड ही कर रहे थे। अब यहाँ पे इन बंदों को मारा, यहाँ पे वॉल बनाई क्योंकि मुझे AWM चाहिए थी। आप लोग को AWM का गेम प्ले देखना था कई दिनों से, मैं AWM लूट ही रहा था। भाई टावर की साइड से वो बंदा स्पॉट हुआ मुझे, एक शॉट पड़ा, एक और शॉट पड़ा। अब मुझे लिटरली नहीं मालूम कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि AWM के दो शॉट से भाई तुम्हारा 70-70 140 एचपी जाना चाहिए था, तो इस बंदे का पता नहीं 150 या 200 एचपी था, मुझे मालूम नहीं। अब उस बंदे को जैसे मारा मैंने, पीछे से मेरे पे गोली पड़ी और उसी टाइम पे मैंने हील हुआ गोली पड़ने के बाद, और 1 HP से मैं सीधा फुल HP हो गया। पीछे की साइड बंदा जो मार रहा था बोल्ड एक्शन, हाँ भाई ले। तो ये माही जी अपने ही इंडिया से थी, माही जी को नॉक किया, मैंने विक्की को बोला आ जा गाड़ी पे बैठ जा, माही जी की सैर करके आते, मतलब सैर करवा के आते। और यहाँ पे गाड़ी लेके हम लोग निकले, स्पाइडर को बोला कि तू पीछे ही रहे, और यहाँ पे अगर बंदा पीछे वाला रस करता है तो भाई हमको कॉल दे देना। और अभी जोन भी चालू होने वाला 30 सेकंड्स में, तो हमें पता नहीं कि जोन यहाँ पे बनेगा या फिर वहाँ बनेगा। स्पाइडर ने यहाँ पे एक बंदे को नॉक मारा, अब यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने इसकी पेटी बनाई माही की, यहाँ पे स्मोक हुआ, जैसे ही यहाँ पे स्मोक हुआ हम समझ गए यहीं पे बंदा, और यहाँ हिल के साइड बंदा स्पॉट हुआ विक्की को। मैंने बोला गाड़ी लेके आगे जा, यहीं सामने घास में लेटा हुआ था। अब इस इन भैया की बनानी थी पेटी हमें AWM से। विक्की गाड़ी लेके गया, बंदा स्पॉट नहीं हुआ, तभी मुझे बंदा थोड़ा सा दिखाई दिया हिलना, मैंने देखा एंड बूम। इसी के साथ मिथिक तनवीर भाई की भी पेटी बन गई, वो भी बड़े आराम से।
अब यहाँ जोन शुरू हो चुका था, 30 सेकंड्स में टच होने वाला था, तो हम यहाँ आगे की साइड जाते हैं थोड़ी सी लूट वगैरह करने के लिए। तो अभी पीछे से यूएस आई, अब यूएस वाले बंदे ऊपर हिल पे रुक गए थे, तो हम यहाँ पे पीछे की साइड रुके, और तभी यूएस वाले बंदे पीछे गए क्योंकि उन्हें जोन जाना था। सामने यूएस वाले बंदे, बग्घी वाला एक भैया निकल गया हमारे सामने से, जोन चला गया दूर। अब उसने मुझे यूएमपी से मारा और मैंने यहाँ पे भाई साहब आरिफ भाई को नॉक किया। विक्की को बोला ड्राइव कर जल्दी से, मैं यहाँ पे हील करता हूँ और उन बंदों पे जाते रस करने के लिए। फिलहाल के लिए यूएस में मुझे दो ही बंदे स्पॉट हुए थे, लेकिन यहाँ पे आगे हमारे साथ होने वाला था गंदा वाला स्कैम, क्योंकि वहाँ दो नहीं भाई, दो से ज्यादा बंदे थे। अब भाई यहाँ पे दो बंदे हम लोगों ने दो बंदे को नॉक किया, पीछे के साइड से अलग पड़ी और सामने के साइड से एक अलग बंदा मार रहा था। स्पाइडर ने किसी को मारा और तभी पीछे से मुझे यहाँ पे AWM का फटका पड़ा। मैंने विक्की को बोला जल्दी आ भाई, उसने मेरा किल चोरी किया यहाँ पे पीछे, जिस बंदे को मैंने आरिफ को नॉक किया था। अब यहाँ पे सामने वाला जो बंदा था भाई साहब, वो बंदा खतरा बन गया था हमारे लिए। मैं जल्दी से हील होता हूँ, अल्ट्रा प्लस वाली मॉली करता हूँ गड्ढे पे, और यहाँ पे जोन चालू होने वाला था सिर्फ 20 सेकंड के अंदर। मैंने भी क्यों बोला सीधे चल यहाँ से निकलते हैं। मेरे पे वेस्ट नहीं थी भाई, वेस्ट गायब कर दी उस बंदे ने। मैंने सोचा पेटी से वेस्ट उठाता हूँ, लेकिन भाई पेटी पे वेस्ट ही नहीं थी। अब यहाँ पे स्पाइडर हमें कॉल देता है कि उसके पास भी बंदा है, तो हम यहाँ से गाड़ी लेके पहली फुर्सत में निकले स्पाइडर के पास। हमें जोन में जाना था, स्पाइडर के पास गाड़ी नहीं थी और वो पैदल था। स्पाइडर ने बताया सामने ड्रॉप था, तो मैंने विक्की को बोला जस्ट वहां पे ड्रॉप के पास एक सेकंड के लिए रोकना। मैंने यहाँ पे स्मोक डाला, वेस्ट मिल गई मुझे, हेलमेट भी मिल गया, और भाई वेयर हाउस में बंदे। मैंने विक्की को बोला जल्दी चल वेयर हाउस के इधर साइड लगा दे गाड़ी। वेयर हाउस वाले ने मारने का ट्राई किया हम लोगों को, पीछे से मुझे एक बंदे की फुट आया गड्ढे से, भाई चारों तरफ बंदे। अब भाई हिल से फायर आया और छत के ऊपर बंदे बैठे हुए थे, पीछे एक बंदा प्ले जोन से गया, आई थिंक वो वेब शूटर वाला गया। तभी सामने से मुझे बंदा जोन के बाहर से आता स्पॉट हुआ, उसको मैंने नॉक मारा। मैंने स्पॉट को बोला भाई ऊपर बंदे नीचे कूद, मैं ऊपर आया। अरे भाई ऊपर एक नहीं दो दो बंदे लेटे थे, और ये हिल वाला बंदा इनका टीममेट था कि भाई इनका दुश्मन था, हमें कुछ नहीं मालूम था। मैंने ग्रेनेड को किया, लेटे वाले बंदे पे किया, डैमेज हुआ वो। मैंने एक और ग्रेनेड को किया, अब एक बंदे को मैंने यहाँ पे ग्रेनेड से नॉक कर दिया, दूसरा वाला बंदा डैमेज था। मैं अपने आप को हील करता हूँ, लेफ्ट साइड अलग बंदे थे और लेफ्ट वाले बंदे ने यहाँ पे किल चोरी करने का ट्राई किया मेरा, और उसने ऊपर नॉक कर दिया एक बंदे को। मैंने उसको नॉक मारा, और लो भाई पीछे वाले बंदे ने यहाँ पे मेरे वाले बंदे की पेटी बना दी, मतलब कि जिस बंदे को मैंने नॉक किया था उसके टीममेट को यहाँ पे ठोक दिया, और यहाँ पे अब सिर्फ दो बंदे बचे। हिल पे एक बंदा था, और यहाँ पे हिल वाले बंदे ने दूसरे बंदे को भी ठोक दिया, मतलब अब ये फाइट थी 3v1 की। मैंने सोचा क्यों ना लास्ट किल चैलेंज AWM से किल कंप्लीट करते हैं, लास्ट किल AWM से मारने का ट्राई करते हैं। हिल पे था बंदा और जोन उसी पे बन गया था भाई, अगर ये थोड़ी देर वेट करता तो हो सकता था कि भाई इसको मौका मिलता हमें मारने के लिए, क्योंकि हमें जोन के अंदर जाना था। लेकिन फिलहाल के लिए AWM का फटका पड़ा भाई को। आप लोगों को कैसा लगा आज का गेम प्ले मुझे कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। ऑलमोस्ट 30 किल्स हो ही गए थे गाइज। अब बात करते भाई स्टीजन लीज एक्सूट की, तो ये 7th of April को आने वाला है, और भाई क्या ही बवाल एक्सूट है। इसका पूरा लुक आप लोग को मिस्टर साइबर स्क्वाड रॉक्स पे देखने के लिए मिल जाएगा,
और ये होने वाला है भाई साहब पूरा पूरा। इसको आप लोग ड्रैकुला सेट, ड्रैकुला एक्स सूट या फिर वैम्पायर एक्स सूट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये लिटरली पूरा का पूरा ब्लड और ड्रैकुला के ऊपर ये, इसकी आप आंखें देखोगे पूरी रेड कलर की, और पहली बार ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आ रहा है। अब आप लोग को इसकी पूरी पूरी अगर जानकारी चाहिए, पूरा का पूरा देखना है, इसके इमोट्स वगैरह देखने हैं, तो मिस्टर साइबर स्क्वाड रॉक सर्च करो जल्दी जाके, और जाके वहां पे देख लो। मैं वहीं पे इसकी वीडियो डाल दूंगा कल दोपहर को 12 बजे आ जाएगी, तो जाके देख लेना। फिलहाल के लिए मिलते हैं एक और नए कमाल के गेम प्ले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।